नमस्कार मित्र, एक बार फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आई होप आप सब मजे में और मजे में रहने के क्यों नहीं, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत मेरे साथ। तो भाई आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही छोटी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अभी आने वाले समय में हम कर रहे हैं ट्रैवल, और ट्रैवल अभी की बार हम बाइक से नहीं कर रहे, अब की बार हम जा रहे हैं ट्रेन से। तो ट्रेन से ट्रैवल करेंगे और उसमें वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ के बारे में आप लोगों को जरूर से ज़रूर दिखाएंगे। तो वीडियो और जो आने वाली सीरीज है अपनी ट्रेन ट्रैवल की, वो अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अच्छा सा एक कमेंट कर देना। तो भाई मैं बताने वाला हूँ, जैसे नॉर्मली सब टिकट बुक कराई लेते हैं भाई, ऑनलाइन मैंने टिकट बुक कराई है, और उसके लिए हमने IRCTC की जो साइट है उस पर लॉगिन किया कर रखा है, अपना अकाउंट बना रखा है, वो आपको सबको पता ही होगा। और उसके साथ साथ क्या होता है कि हम लॉन्ग जर्नी की जब भी कोई टिकट बुक कराते तो हम चाहते हैं कि एक सेफ़ जर्नी हम करें, तो उसके लिए हमने जो टिकट बुक कराई है वो थर्ड AC में कराई है, स्लीपर में या जनरल बोगी में जाने का कोई मतलब नहीं बनता भाई, मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ, ठीक है। एक तो बात ये हो गई, दूसरा ये होता है कि भाई हम ट्रैवल करते हैं तो भाई भूख तो लगती है ना, 2-3 दिन का जैसे होता है, या एक नाइट भी अगर बीच में आ जाती है ट्रैवल में, आप तो आप ट्रैवल करते हो और एक नाइट अगर आपकी जर्नी में सफ़र में गुजर रही है तो आपको भूख तो लगेगी। नॉर्मली तो लोग क्या करते हैं भाई, कैटरिंग से खाना बुक कर लेते हैं अपना टिकट के साथ ही, वो 300-400 रुपये कॉस्ट होती है। और कई बार आपको पता होता है, जैसे भाई जो रेगुलर जर्नी करते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि भाई आप लोगों को कैसा खाना मिलता है ट्रेन में। बाकी अभी चीज़ें सुधर गई है, अच्छा खाना मिलता है, बट फिर भी आपको कुछ अच्छा और चटपटा अलग सा कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप सहारा लोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं, और उसी के रिगार्डिंग अपनी ये वीडियो होने वाली है। तो शुरू में मैं बता देता हूँ कि मैंने वैसे तो खाना बुक कर रखा है भाई IRCTC की साइट से ही, बट अगर भाई हमारा है कि कुछ और मन कर रहा खाने का और आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी, तो वो भी हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और स्क्रीन में आपको दिखाते हैं भाई कैसे आप खाना ऑनलाइन बुक कर सकते हो रेलवे की ई कैटरिंग के अलावा भी। तो अभी खाना बुक करते हैं और फ़ोन को लेके आते हैं, फ़ोन में आपको सब बताते हैं। तो भाई हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, और हम जाएंगे पहले अपने गूगल क्रोम पर, यहाँ पर हम अपना टैब ओपन करेंगे और हम डाल देंगे IRCTC, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, IRCTC की साइट देखेंगे, ये मिल गई नीचे, इस पर पहले तो हम लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ एक बार, ये हमने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है, इसको ब्लॉक नहीं रखेंगे, ठीक है, पासवर्ड सेव नहीं करेंगे, इंस्टॉल भी नहीं करेंगे। अभी आ गई भाई, तो मैं यहाँ से देखूँगा अपने जो मेरी बुकिंग है, माई ट्रांजैक्शन आ गई, और यहाँ पर आ गई बुक टिकट हिस्ट्री, यहाँ से क्लिक करेंगे। अभी मैंने ये कुछ टिकटें बुक कर रखी है, ठीक है, मेरे को जाना है अग्निवीर में, मेरे को खाना चाहिए अग्निवीर के लिए, तो अग्निवीर ट्रेन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ से जिस भी ट्रेन के लिए मेरे को बुक करना फूड, उसका मैं PNR कॉपी कर लूँगा यहाँ से, ये मैं PNR को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑर्डरिंग फूड या फूड पेंट्री कार से नीचे हमको ई फूड चाहिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी ये चल रहा है थोड़ा, हाँ आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। तो मेरा मन है, जैसे मैंने पहले ट्राई किया था तो सोचा कि मैंने वीडियो बनाई तो मैंने छोड़ दिया, तो मैं फासोज से लेऊंगा, या आपका रेल फूड भी है तो मैं फासोज पे जाता हूँ, 99 का मिनिमम ऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है फूड, मैं वेज सिलेक्ट करता हूँ पहले, तो क्योंकि मैं वेज ही लेता हूँ भाई। और यहाँ पर एक आजकल चला हुआ है आपका ऑफ़र, बहुत सारे हैं, कौन साल साल ले सकते हो, 189 का है, ये पनीर टिक्का मसाला राइस फीस्ट 279 का है, हमको ये नहीं चाहिए। इसमें वर्ल्ड कप स्पेशल है, तो वर्ल्ड कप स्पेशल आपको दिखा देते हैं अभी, ये देखो हैट्रिक लेना है तो मैं हैट्रिक ही ले लेता हूँ। इसमें आप
हैट्रिक वेज रैप साइड एंड बेवरेज मील एट 188, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें देखते क्या मिलता है, सिलेक्ट किया, ठीक है, ऐड ऑर्डर किया। अब इसमें देखो कुछ और भी आपको ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखो अब इसमें पोटैटो वेजीज है और ऊपर जो है चटपटे छोले रैप, छोले रैप मैंने लेने नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसमें से कुछ और उठाऊँगा। तो मसाला पनीर टिक्का रैप ले सकते हैं, चिपोटे पोटैटो शॉर्ट्स रैप, चीज़ कॉर्न सालसा रैप। तो मेरी इच्छा है मैं चीज़ के साथ जाऊँगा और कुछ यही है मेरा ऑर्डर 288 का बन गया है। आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर इतने का हो गया, अब मैं दिखा देता हूँ आपको 228 का, और इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन मांगता है, तो इसमें भी आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर देता हूँ इसमें, जो मेरा मोबाइल नंबर है, और जो मेरा मेल आईडी वो मेल आईडी डाल देता हूँ इसमें, और मेरा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको अगर कैश पॉइंट चाहिए तो आप ले सकते हो, बट अगर नहीं चाहिए तो मैं कैश ऑन, मैं कूपन को रिमूव कर देता हूँ। ये मेरा 268 का ऑर्डर हो गया है, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा हूँ अभी यहाँ पर। C1 सीट 36 आ जाएगी हावड़ा पे, 26 पर मेरा भोजन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, सेव, देखो आ गया ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे COD कर देता हूँ और अपना ऑर्डर डाल देता हूँ। इस तरह से हमारा ऑर्डर हो गया है, और इस तरह से आप भी खाना बुक कर सकते हो अपनी पसंद का। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।